हरियाणा सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए प्रदेश के सरकारी और निजी कॉलेजों में आयुर्वेद कोर्स में MD और MS के लिए नियमों को सख्त कर दिया है। इन नियमों के तहत यदि विद्यार्थी कोर्स को बीच में छोड़ता है तो उस पर 3 साल का प्रतिबंध रहेगा और 7.5 लाख रुपए की बॉन्ड राशि भी समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही छात्रों को स्कॉलरशिप और उन्हें भुगतान की गई अन्य सुविधाएं भी वापस करनी होगी। इस संबंध में हरियाणा आयुष विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर जी अनुपमा की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार 25% सीटें राज्य कोटा के तहत हरियाणा में स्थित संस्थानों से BAMS कोर्स पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होगी। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र 85% सीटों पर प्रवेश के लिए केंद्रीकृत काउंसलिंग के लिए नोडल एजेंसी होगी। 15% सीटों के लिए काउंसलिंग अखिल भारतीय योग्यता श्रेणी के तहत भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से होगी।